हाय गाइस, मैं हूं सुष्मिता, आपकी क्रिप्टो गाइड, और आज मैं बात करने वाली हूं पोंजी स्कीम के बारे में। 1920s में चार्ल्स पोंजी नाम का एक कॉनमैन इटली से नॉर्थ अमेरिका गया और वो अपने फ्रॉड मनी मेकिंग मेजर्स की वजह से काफ़ी फेमस भी हुआ। इस स्कीम से लोगों को लगता था कि उनके सारी प्रॉफिट्स लेजिटिमेट बिजनेस के थ्रू आ रहे हैं और वो नहीं जानते कि उनके पैसे नए इन्वेस्टर्स से आते हैं। ये पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पे करते रहते हैं। ये यूजुअली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज बनकर ऑफर लाते हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके असली इन्वेस्टमेंट्स के लेजिटिमेट रिटर्न्स उन्हें मिल रहे हैं। ये स्कीम तब तक चलाया जा सकता है जब तक नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स का पे ऑफ होता रहे और कोई भी इन्वेस्टर अपना पूरा पेमेंट डिमांड ना करे। नए इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द हाई प्रॉफिट्स का प्रॉमिस देकर ठगाया जाता है। इसमें जो बैक एंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादातर सभी पोंजी स्कीम्स के कुछ कुछ सिमिलर फीचर्स होते हैं, जैसे लो रिस्क हाई रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न या फिर अनलाइसेंस सेलर्स, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। इनके चलते लोगों को ऐसे स्कीम से सतर्क रहना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के चलते एक नए तरह के पोंजी स्कीम्स या स्मार्ट पोंजी पाए गए हैं। ये ICO जैसे इवेंट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकचेन में सेलर या बायर की एनोनिमिटी होने के कारण इनके खिलाफ एक्शन लेना भी मुश्किल होता है। वन कॉइन पोंजी स्कीम US का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम माना जाता है, जिसमें कुल मिला के $19 बिलियन की हेरा फेरी हुई थी। और ये था पोंजी स्कीम। To know more about such technical terms, do write in our comment section below and do not forget to subscribe to our channel.